हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं अब नबील। एप्पल ने रिलीज किया फाइनल स्टेबल वर्जन ऑफ iOS 16.5.1। ये पब्लिक रिलीज है, OTA अपडेट है, यानी कि ओवर द एयर आपके सभी के आईफोन्स के अंदर आपको ये वाला अपडेट देखने मिलेगा। अगर आपने बीटा अपडेट्स को ऑफ रखा है और आप iOS 16.6 या फिर iOS 17 के बीटा वर्जन पे अपने आईफोन को नहीं चला रहे हो, तो अगर चला रहे हो तो ये अपडेट नहीं आएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप iOS 16.5 पे चल रहे हो, जो आप में से बहुत सारे लोग चल रहे होंगे पब्लिक स्टेबल वर्जन के ऊपर, तो उनके लिए ये वाला अपडेट है। इस अपडेट में क्या कुछ नया है, क्या खास है, वो चेकआउट करेंगे। अपडेट के साथ एप्पल ने वॉच ओएस भी नया रिलीज किया, आईपैड ओएस भी रिलीज किया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर डालने की कोशिश करेंगे। अपडेट जो है दोस्तों, उसका साइज देख लेते सबसे पहले, जो कि बहुत ही छोटा है, 281.2 MB का अपडेट है। चाहे आप वाईफाई पे डाउनलोड कीजिए, चाहे आप मोबाइल डेटा पे डाउनलोड इंस्टॉल इसको करना चाहे कर सकते हैं, कोई इशू इसके अंदर नहीं है। अब अपडेट से पहले और बाद में क्या कुछ चेंज हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं। डिटेल्स हमारे पास सामने है। यहाँ पे अपडेट से पहले 16.5 था iOS वर्जन और अवेलेबल फ्री स्पेस जो था वो 280 GB के आसपास था। अपडेट के पहले का जो बिल्ड नंबर था वो था 20F66 और अपडेट के पहले का जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 1.70.02। अपडेट के बाद यहाँ पे हो गया है 16.5.1 और अवेलेबल फ्री स्पेस जो है ये 12 GB से कम हो गया है, 268.53 GB है। ये चेक करेंगे हम आईफोन स्टोरेज के अंदर कोई बग है या नहीं। और अपडेट के बाद का जो बिल्ड नंबर है वो है 20F75, ये नया बिल्ड नंबर आपको देखने मिलेगा। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें मोडेम फर्मवेयर, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अब iOS 16.5.1 ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेकिन बहुत ही छोटा अपडेट है, तो इसमें क्या कुछ नया है वो समझ लीजिए। यहाँ पे नया बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फिक्सेस है जो एप्पल ने यहाँ पे पुश किया है। और यहाँ पे लिखा है लाइटनिंग टू यूएसबी 3 कैमरा एडाप्टर का प्रॉब्लम फिक्स किया है। अब ये क्या चीज है लाइटनिंग टू यूएसबी 3 कैमरा एडाप्टर, तो ये चीज मेरे पास है। यहाँ पे इस तरीके का एडाप्टर होता है जहाँ पे आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक लाइटनिंग पोर्ट मिल जाता है। तो इसमें क्या इशू था, जब इसको आप कनेक्ट करते और यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगाते या कोई कैमरा जो है अटैच करते इसके साथ, तो उसके टाइम पे आपको यहाँ पे ये लाइटनिंग पोर्ट से पावर देना होता है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग जो है इसकी हो नहीं रही थी। तो ये इशू जो है आ रहा था सभी आईफोन्स के अंदर जिनके पास ये होगा, और मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज नहीं है। तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं ये प्रॉब्लम। यहाँ पे एप्पल क्लेम कर रहा है कि फिक्स हो गया है, तो फिक्स हुआ या नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग शुरू हो चुकी है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है मेरे हाथ में, तो ये एक मैक्सेफ पावर बैंक है जिसका मैं यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टाग्राम रील बना चुका हूँ। आगे जाके मैं इसका रिव्यू भी बनाऊंगा, लेकिन थोड़े और यूनिट्स का मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि एक साथ मल्टीपल फोन्स पे बताऊंगा, वो आप देख सकते हैं। और एक्चुअल में काफी अच्छी चीज है, और अगर आपको लेना है तो वो YouTube शॉर्ट या फिर Instagram रील के अंदर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस शॉर्ट वीडियो का YouTube के, वहां पे आपको लिंक वगैरह सारी चीजें उसकी मिलेगी। अब यहाँ पे ये चीज जो थी वो मेन चीज थी जो यहाँ पे Apple ने फिक्स किया है, लेकिन यहाँ पे Apple ने जो है कुछ सिक्योरिटी अपडेट भी पुश किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आईफोन यूजर्स के लिए, उनकी आईफोन की सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी के लिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16.5.1 और iPad OS 16.5.1 के लिए Apple ने यहाँ पे क्या कुछ फिक्सेस किया है। तो हर चीज तो एप्पल खुल खुल के नहीं बताता, लेकिन यहाँ पे कर्नल के अंदर थोड़े इंपॉर्टेंट फिक्सेस किए गए हैं। साथ ही वेब किट के अंदर भी आईफोन 8 और लेटर यूजर्स के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट फिक्सेस किए गए हैं। तो यहाँ पे मेलिशियसली क्राफ्टेड वेब कंटेंट जो एग्जीक्यूट हो सकता था उसको यहाँ पे स्टॉप करने के लिए एप्पल ये चीज करता है। तो ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेटिस्फाइड है वीडियो देखने के बाद, तो आपको करना ही चाहिए वाले अपडेट, आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, इंपॉर्टेंट होते हैं अपडेट्स भी। अब यहाँ पे कुछ बग्स है क्या, तो बिल्कुल बग्स अभी भी इसके अंदर है, लेकिन बहुत ही कम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नोटिफिकेशन सेंटर जो है रिएक्ट करता है। यहाँ पे देखिए झटके ये जो है इस तरीके के मारते रहता है, तो इसका जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कब जाता है, क्योंकि एप्पल तो इसका ध्यान रख नहीं रहा ऐसा लग रहा है, क्योंकि iOS 17 के अंदर भी ये वाला बग हमको देखने मिल रहा है। ये देखिए कभी अलग तरीके से जो है रिएक्ट करता है, कभी अलग तरीके से। तो इतना पैसा देने के बाद और इतना अच्छा iOS सॉफ्टवेयर होता है एप्पल का, उसके अंदर ये छोटी सी चीज जो है ये काफी बुरा एक इंप्रेशन डालती है, जो कि एप्पल ने बहुत जल्दी फिक्स करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपने कभी ध्यान दिया भी या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब अगली चीज है दोस्तों, बैटरी हेल्थ, बैटरी लाइफ। तो यहाँ पे हम बैटरी के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे अभी इस मोमेंट पे बैटरी लाइफ के बारे में बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो हमने अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल किया है, लेकिन बैटरी हेल्थ जरूर हम चेक कर सकते हैं। तो बैटरी हेल्थ में जाते हैं और ये 100% पे है मेरा आईफोन, लेकिन मेरा जो 14 प्रो मैक्स है उसकी गिर गई बैटरी हेल्थ। क्यों गिर गई, क्योंकि iOS 17 के बेटा वर्जन पे अपडेट किया जहाँ पे ओवर हीटिंग एक्सेसिवली हो रही है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन उसका भी बेटा 2 आ चुका है, तो वो भी हम चेक करेंगे उस पर कैसी रहती क्या रहती, अगले वीडियो में आपको वो चीज देखने मिलेगी। फिलहाल आपको स्टेबल वर्जन के साथ जो है एटलीस्ट डरने की जरूरत नहीं, और ये यहाँ पे ओवरहीट होना और ये सारे इश्यूज जो है आपको नहीं देने वाला है। तो बैटरी हेल्थ और बैटरी लाइफ के हिसाब से ये अपडेट ठीक ही रहेगा। आगे हम चेक करेंगे कुछ दिनों बाद कि कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल फोन का हमारे वो अच्छा ही है, कोई इशू नहीं है, कोई ऐप क्रैशिंग वगैरह आपको बैंकिंग एप्लीकेशन में प्रॉब्लम वगैरह देखने नहीं मिलेगी। तो हम जल्दी से बेंचमार्क्स देख लेते हैं ताकि हमको एक आइडिया हो जाए कि एप्पल ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करके हमारा फोन स्लो तो नहीं कर दिया। तो सीपीयू स्कोर में चले आते हैं और यहाँ पे हम जो है दोनों स्कोर देख लेते हैं। 22 जून आज ही को मैंने जो है 16.5 पे भी चेक किया था और 16.5
16.6 पे भी, क्योंकि इस फोन के ऊपर मैंने अपने iPhone 14 Pro Max को क्लोन किया है, तो इस फोन के ऊपर मैंने नए बेंचमार्क्स निकाले। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कोर का स्कोर है 1728 और 4583 मल्टी कोर स्कोर है, और आज का स्कोर है 1725 और 4489। तो मामूली सा जो है फर्क है, थोड़ा सा एक 50 एक पॉइंट जो है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कम भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, ये चलते रहता है। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कुछ चेंज है तो कुछ ज्यादा जो है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। रही बात कंप्यूटेशन बेंचमार्क की या जीपीयू स्कोर्स की, तो यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं। तो पहले था 12,748 और अभी है 12,417, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। 12,500 से लेकर 13,000 के बीच में iPhone 14 Plus के लिए ये स्कोर वेरी करता है। 13,000 एक ही बार गया था मेरे फोन पे, लेकिन 12,500 के आसपास ये रहता ही है, तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी यहाँ पे स्टोरेज बग है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो स्टोरेज बग के लिए हम सेटिंग जनरल आईफोन स्टोरेज में चले जाते हैं, इसको लोड होने देते हैं। देख सकते हैं 512 GB वाला आईफोन है और 243 GB जो है इसके अंदर फुल है। तो यहाँ पे हम अब नीचे चले जाते हैं, जल्दी से कैलकुलेट तो हो गया, लेकिन देखते सिस्टम डेटा। तो सिस्टम डेटा यहाँ पे अभी भी जो है इसकी चक्री घूम रही है, जबकि आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है मेरा जो iOS 17 पे, उस पे चक्री का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, जो बफर होते रहता है। तो यहाँ पे आप बताइए मुझे आपके फोन में कोई स्टोरेज बग है या नहीं। बाकी स्टोरेज जो है यहाँ पे पहले के मुकाबले कम हो चुकी है, और अभी हम देख लेते हैं एक बार अबाउट में जाके, क्योंकि वहां पे दिखा रहा था 262 GB या 268 GB, तो अभी भी 268 GB है, तो 12 GB अभी भी गायब है। कुछ दिनों के बाद में भी ये स्टोरेज जो है मेरा वापस आ जाए। आप करके बताना मुझे अगर आपने डाउनलोड इंस्टॉल किया, कि आपका स्टोरेज जो है कम हुआ, बड़ा या फिर वैसा का वैसा है। अगली जो चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, वो ये है कि यहाँ पे iPad OS और वॉचेस भी नया एप्पल ने रिलीज किया है, जहाँ पे वॉचेस 9.5.2 है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस जो है एप्पल ने पुश किए, और उसके पहले वाला जो अपडेट था 9.5.1, उसमें मेरी एप्पल वॉच अल्ट्रा की बैटरी लाइफ जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है, जो कि पहले बहुत कम हो गई थी बीच में। लेकिन अगर आपके पास भी कोई एप्पल वॉच है तो आप भी इसको डाउन इंस्टॉल कीजिए, सिक्योरिटी फिक्सेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं और बैटरी लाइफ भी जरूर आपकी इंप्रूव होगी। एटलीस्ट पिछले वाले वर्जन में तो थी, इस वाले वर्जन को टेस्ट करना बाकी है, लेकिन यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन हमको एप्पल की तरफ से मिली है। और जो पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा 9.5.1 का, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई है एप्पल वॉच अल्ट्रा के ऊपर। अब अगली चीज जो यहाँ पे एप्पल ने रिलीज किया है वो है आईपैड ओएस 16.5.1, और यहाँ पे लिखा हुआ है iOS 16.5.1, तो ग्लिच है एप्पल की तरफ से, और यहाँ पे कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब आप सिक्योरिटी वाले पेज पे एप्पल के जाएंगे तो आपको वही इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस जो है आईपैड ओएस 16.5.1 में एप्पल ने किया है, जिसके लिए यहाँ पे अपडेट iOS 16.5.1 नाम से एप्पल ने सेंड किया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आपको iOS 16.5.1 इंस्टॉल करना चाहिए। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, बस यही है कि वो एक 12 GB का स्टोरेज कम हुआ, वही थोड़ा एक कंसर्निंग चीज है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी और चीज जो है प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही, और फिलहाल जो iOS 16 के अपडेट्स है वो काफी स्टेबल है। 16.6 का भी अपडेट जो है बहुत जल्दी आने वाला है, वो भी स्टेबल है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कब आ सकता है, तो उसका RC वर्जन जो है आजकल में ही आपको देखने मिल सकता है, या मे बी नेक्स्ट वीक में आपको देखने मिले। और फाइनल स्टेबल वर्जन भी जो है iOS 16.6 का बहुत जल्दी आने वाला है। 16.5.1 जो है छोटा सा अपडेट है जो एप्पल ने बीच में ही पुश किया है, वो जो प्रॉब्लम था कनेक्टर वाला उसको सॉल्व करने के लिए। और अगर हम बात करें iOS 17 के बेटा 2 की, तो वो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके ऊपर अगली वीडियो हमारी आने वाली है, उसको भी जरूर चेकआउट करना। इसमें भी काफी सारे जो है चेंजेस किए एप्पल ने, तो वो क्या चेंजेस है जरूर चेकआउट करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।